जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। रैना साहब, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, श्री गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को खड़ा करने में, कांग्रेस को बनाने में खून पसीना उन्होंने लगाया। और आज जिस प्रकार कांग्रेस ने श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रताड़ित करके, अपमानित करके, बेइज्जत करके मजबूर किया कि वो त्यागपत्र दे, लहू के आंसू बहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के, वो रोए हैं खून के आंसू। इतना अपमान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका किया है। और आज उन्होंने इस सारे घटनाक्रम को उजागर किया है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी नेहरू खानदान के रिमोट कंट्रोल से चलती है। कांग्रेस में कोई अंतरिम लोकतंत्र नहीं है, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस में नहीं है। ये श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब के पत्र से उजागर हो गया। कांग्रेस जो डूबता हुआ जहाज था, आज पूरी तरीके से डूब चुका है। बीजेपी में आने का उनका कोई, देखिए ये उनका निजी मामला है, निजी फैसला है। वो किस राजनीतिक दल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, ये उनका पर्सनल मामला है। तो साफ तौर पे रविंद्र रैना का कहना है कि ये उनका निजी मामला है कि वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं आगे, लेकिन उनका अपमान कांग्रेस में हुआ है ये बात बीजेपी के नेता भी मानते हैं। कैमरामैन आमोद अशोक के साथ आमोद राय, TV9।